चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर G20 देशों का डेलीगेशन पहुंचा है खैरैया एयरपोर्ट, जहां पर G20 डेलीगेशन का किया गया है रॉयल स्वागत। ब्रज नित्य शहनाई वादन पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया है G20 डेलीगेशन का। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है सत्र का शुभारंभ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता देगी आगरा में G20 का जो पहला सम्मेलन है वो होगा, और इसी को लेकर आपको बता दें कि आगरा में आज G20 देशों का डेलीगेशन पहुंचा है खैरैया एयरपोर्ट, जहां पर G20 डेलीगेशन का किया गया है रॉयल स्वागत। ब्रज नृत्य शहनाई वादन पुष्प वर्षा के साथ में ये स्वागत किया गया है G20 डेलीगेशन का। दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ है, और इसी के साथ बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है सत्र का शुभारंभ। तो बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि G20 को लेकर जो डेलीगेशन है वो आगरा पहुंचा है, और आपको बता दें कि इस दौरान डेलीगेशन का रॉयल स्वागत भी किया गया है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है सत्र का शुभारंभ। तो बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आगरा में G20 देशों का डेलीगेशन पहुंचा है खैरैया एयरपोर्ट, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर रहे थे कि डेलीगेशन जो है वो आज पहुंचने वाला था और पहुंच भी चुका है, आखिरकार किस तरीके की तैयारियां वहां पर है? देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए, डेलीगेशन कल रात को 7:30 के करीब खैरैया एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। 180 लोग यहाँ डेलीगेशन में आए हुए हैं, और उसका भव्य स्वागत जैसे ही खैरैया एयरपोर्ट से निकले उनका काफिला, तो तमाम यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जगह जगह चौराहों पर देखा गया पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया गया है, और यहाँ पर सीधा उनको अगर बात की जाए तो यहाँ से पूरा काफिला निकल के उनका ताज कन्वेंशन होटल में पहुंचा, जहाँ पर उनके ठहरने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई थी प्रशासन के द्वारा। और सुबह से ही देखा गया है कि देखिए दो होटलों में उनकी व्यवस्था की गई है, दोनों होटलों में यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिले हैं। सुबह से ही देखा गया है कि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री आ चुकी हैं, और यहाँ पर पहले सत्र की बैठक प्रारंभ हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ केंद्रीय मंत्री ने अपना उद्बोधन प्रारंभ किया, और तमाम यहाँ पर उन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब अगर बात करें आगे अपडेट की तो देखिए 5 के करीब केंद्रीय स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर देखिए जो जो चर्चा हुई है डेलीगेशन के साथ में वो यहाँ पर देखिए प्रचार प्रसार बतौर यहाँ पर G20 को लेकर के करेंगी। दो दिवसीय यानी कि आज और कल आपको बता दें लाल किला और ताजमहल का भ्रमण भी यह डेलीगेशन करने वाला है, तो यहाँ तमाम आयोजन यहाँ चौराहों पर किए जा रहे हैं, और लगातार देखा जा रहा है कि देखिए यहाँ की संस्कृति जो कह सकते हैं भारत की संस्कृति है उसको यहाँ पर उसके माध्यम से जो डेलीगेशन है उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी आखिर यहाँ से डेलीगेशन, हालांकि देखिए 11, 12, 13 को यहाँ पर उनकी वापसी है, इसके बाद में अगस्त माह में उनका फिर प्रतिनिधि कह सकते हैं उनका आएगा, क्योंकि इस बार भारत मेजबानी कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रकाश, जिस तरीके से इसकी बैठक भी हुई है G20 को लेकर, पहली बैठक थी और डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद, क्या लगता है किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा हुई होगी? देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर के तमाम यहां पर चर्चा हुई है। आपको बता दें यहां डेलीगेशन में मुख्य रूप से तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे, और यहाँ की स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री और बेबी रानी मौर्य महिला सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पर चर्चा करती हुई नजर आई, तो कह सकते हैं तमाम ऐसे अहम मुद्दे रहे जहां पर इन्होंने चर्चा विस्तार रूप से की है। जी, यानी कि सत्यप्रकाश, साफ तौर पर देखा जाए तो G20 की भी जो बात करें शुरुआती, तो वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण पर ही उसकी शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल, अगर कह सके देखिए एक तो बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं गंभीर होता हुआ मुद्दा नजर आया, दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा था उस पर भी कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टा बातचीत हुई है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इन दोनों मुद्दों को लेकर के यहाँ G20 का डेलीगेशन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।